जिंदगी में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे सपने हैं, लेकिन सपने कहीं ना कहीं अगर पूरे नहीं होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सोच का। हमारी सोच हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकती है, और वहीं पर अगर हमारी सोच निगेटिव है तो हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए देखना जरूरी है जो लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं लेकिन सिर्फ अपनी सोच की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। सोच, एक सोच आपको कहीं से कहीं तक ले जा सकती है। हम जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, जो हम बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग के लिए हम प्रयास करते हैं लेकिन वो प्लानिंग हम पूरी नहीं कर पाते। और अक्सर सेल्स में ये बहुत बड़ा एक कारण होता है नाकामयाबी का, जो हम कामयाब नहीं हो पाते। कोई भी सेल्स होती है, उस सेल्स में जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको एक टारगेट दिया जाता है। वो टारगेट कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग उस टारगेट को मजाक समझकर ले लेते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं और ये कहानी कहीं ना कहीं हर एक सेल्समैन को देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी सोच को बदलोगे तो आप कामयाबी की वो सीढ़ियां पार कर सकते हो, उस ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हो जो ऊंचाई शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि आप वहां तक पहुंच सकते हो। आप अपनी सोच के कारण ही जिंदगी में वो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हो जहां पर पहुंचना हर किसी का सपना होता है। आप पैसा भी कमा सकते हो, इज्जत भी कमा सकते हो, हर कुछ आप कमा सकते हो सिर्फ अपनी सोच के कारण। एक बार एक कंपनी ने अपना मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया भारत में। कंपनी नई थी, कंपनी ने कारोबार स्टार्ट किया और कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया इंडिया में। अब कंपनी ने प्लान किया कि हम अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेकर जाना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और दुनिया के दूसरे देशों में भी अपने इस व्यापार को ले जाना चाहते हैं। कंपनी ने प्लान किया कि पहले हम अपने बिजनेस को किसी एक देश से स्टार्ट करते हैं भारत के अलावा। तो उन्होंने प्लान किया कि हम अपने बिजनेस को अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं। अब कंपनी के जो सीनियर मैनेजर थे, कंपनी के जो MD थे, GM थे, उन्होंने अपनी कंपनी के दो सेल्स मैनेजर को बुलाया और उनको बुलाकर दोनों से बात की और उनको बताया कि भाई हम अपने मोबाइल के बिजनेस को भारत के अलावा दूसरे देशों में स्टार्ट करना चाहते हैं और सबसे पहले हमने प्लान किया कि हम अपने बिजनेस को अफ्रीका में स्टार्ट करेंगे। दोनों सेल्स मैनेजर को बुलाकर जब उनसे बात हो रही थी तो दोनों की सोच का फर्क देखिए कि कितना फर्क है दोनों की सोच का। तो कंपनी ने दोनों को अफ्रीका भेजने का प्लान किया और दोनों को यह बोला कि आपको अफ्रीका जाकर एक सर्वे करना है और सर्वे आपको करना है कि वहां पर हम अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं अफ्रीका में मोबाइल प्रोडक्शन की, तो वहां पर क्या हमारे मोबाइल किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोनों को अफ्रीका जाना है और 12 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजनी है। अब दोनों सेल्स मैनेजर अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए, घर पर गए। एक सेल्स मैनेजर बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला था और एक सेल्स मैनेजर बहुत निगेटिव सोच वाला था। जो पॉजिटिव सोच वाला था वो बहुत ही एक्साइटेड होकर घर पर पहुंचा और अपने घर पे अपने बीवी बच्चों से बात की, कहा कि आज मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो मैं, मेरा सपना था, जो मैं चाहता था कि मैं कहीं बाहर जाकर व्यापार स्टार्ट करूं, बाहर जाकर जॉब करूं, तो आज मेरा वो सपना पूरा हुआ और आज कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मुझे अफ्रीका भेजने का प्लान बनाया है कंपनी ने। वहीं पर दूसरा जो निगेटिव सेल्स मैनेजर था वो बड़े दुखी मन से अपने घर पहुंचा। तो घर पर जब बात हुई, उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, आज तो बड़े उदास लग रहे हो, तो उसने कहा ये कंपनी के ओनर भी ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कंपनी का मालिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धोकर मेरा मैनेजर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे एक ऐसे देश में भेज दिया जहां पर भुखमरी पहले ही फैल रही है, जहां पर लोग पता नहीं किस तरीके से रहते हैं, मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो घर वालों ने समझाया और उसको जाने के लिए बोला। तो दोनों सेल्स मैनेजर अपनी पैकिंग करके
एयरपोर्ट पर गए और वहां से फ्लाइट पकड़ते हुए अफ्रीका पहुंच गए। दोनों ने सर्वे करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी के जो दो मैनेजर थे उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद दोनों ने अपनी रिपोर्ट अपने ऑफिस में भेजी। वो रिपोर्ट में सबसे पहले जो रिपोर्ट चेक की गई वो निगेटिव वाला जो सेल्स मैनेजर था उसकी रिपोर्ट चेक की गई। उसने रिपोर्ट में लिखा था कि सर ये तो बिल्कुल बकवास जगह है, अफ्रीका में अगर हम अपनी कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर तो लोग मोबाइल के बारे में जानते ही नहीं है, लोगों को मोबाइल के बारे में पता ही नहीं है, उनको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, तो यहाँ पर हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कंपनी लॉस में चली जाएगी अगर यहाँ पर हमने अपना व्यापार स्टार्ट किया। वहीं पर दूसरे जो सेल्स मैनेजर थे वो पॉजिटिव सेल्स मैनेजर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सर क्या लाजवाब जगह ढूंढी है, सर एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, तो हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यहां पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास जब मोबाइल नहीं है तो उनको हम एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि मोबाइल के क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे वो मोबाइल को यूज करके लोगों से बात कर सकते हैं, किस तरीके से वो ऑनलाइन इंटरनेट का सहारा लेकर मोबाइल से इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, वो हम सिखाएंगे उनको। तो सर ये तो ऐसी लाजवाब जगह ढूंढी गई है जहां पर हमारा व्यापार बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि सर अभी तक यहां पर हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं पहुंचा है। तो ये दोनों ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी ये किसका फर्क था, ये सिर्फ सोच का फर्क था, दोनों की सोच अलग अलग थी। जो पॉजिटिव सेल्स मैनेजर था उसकी सोच पॉजिटिव थी और जो नेगेटिव सेल्स मैनेजर था उसकी सोच नेगेटिव थी। यही चीज आपकी लाइफ पर भी लागू होती है दोस्तों। आपकी सोच आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। जो पॉजिटिव सेल्स मैनेजर था उसने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और उसने अपनी जो उसकी सोच थी वो सोच के आधार पर रिपोर्ट बनाकर भेजी। वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ा सेल्स मैनेजर, क्योंकि कंपनी ने जब उसकी परफॉर्मेंस देखी उसकी परफॉर्मेंस लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और निगेटिव सेल्स मैनेजर वो हर चीज को निगेटिव लेकर चलता था। तो आप भी अगर अपने बिजनेस को अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स हैं वो निगेटिव थॉट्स निकाल कर आपको बाहर फेंकनी है और पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में वो चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने होंगे, क्योंकि दोस्तों इस जिंदगी में सुख और दुख दो ही चीज़ होती हैं, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कठिन वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा और आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में अपने बाप दादा की जायदाद के ऊपर वो घमंड करते हैं और उनकी दौलत के बदौलत वो बगैर कोई काम किए कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनकी दौलत के ऊपर ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी मेहनत के दम पर अपने कठिन परिश्रम के दम पर अपनी अलग पहचान बनाते हैं तो उनकी बात ही अलग होती है, और उनका जो अंदर से आवाज़ निकलती है वो ऐसी रिलैक्स आवाज़ निकलती है जो उनको बहुत ही रिलैक्स फील कराती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, और अगर आप हमारी वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर आपको आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से देने का प्रयास करते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।